नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। घुटने की समस्या आज हर उम्र के लोगों को हो रही है, फीमेल्स को हो रही है, मेल्स को हो रही है, बुजुर्ग को हो रही है, यंग को हो रही है। और ये जो घुटने की समस्या है, इसकी वजह से एक व्यक्ति का चलना बड़ा दुश्वार हो जाता है, सीढ़ियां उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाता है, कहीं आना और जाना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में घुटने के दर्द से बचने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इवन मैंने इन 18 सालों के अनुभव में यह देखा है कि हमने तो कई सारे लोगों के घुटने के ऑपरेशन को अवॉइड करा दिया है, टल गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। और ऐसा फीडबैक हमारे को हमारे ही पेशेंटों ने दिया है, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में फीडबैक सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। फीडबैक सेक्शन वो सेक्शन है जहां पर हमने अपने पेशेंटों को ठीक कर उनकी वीडियोज बनाकर अपलोड करा है कि उनको न्यूरोथेरेपी से कितना फायदा हुआ है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में आपको फीडबैक वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ये चैनल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चैनल है न्यूरोथेरेपी के लेकर। न्यूरोथेरेपिस्ट के बहुत सारे चैनल हैं, आप जानते होंगे 50 से 60 चैनल हैं न्यूरोथेरेपी के लेकर, लेकिन लार्जेस्ट चैनल का मतलब है 3000 से ज्यादा वीडियोज अगर किसी चैनल पर हैं तो इसी चैनल पर हैं, जिसमें हम किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी बीमारी पर बात करते हैं, न्यूरोथेरेपी के किसी पॉइंट पर बात करते हैं, किसी न किसी टेक्निक पर बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड किसी न किसी टिप्स को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, या न्यूरोथेरेपी का कोर्स कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का है, इन सबसे ही रिलेटेड वीडियोज बनाकर हमने 3000 से ज़्यादा वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करी हैं। और यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चैनल है न्यूरोथेरेपी साइंस को लेकर। और अभी भी हम वही काम कर रहे हैं कि आपको एक पॉइंट सिखा रहे हैं, एक प्रोसेस सिखा रहे हैं, जिससे आप अपने घर में, परिवार में घुटने से संबंधित अगर किसी को दर्द है तो उस समय पर आप इसका समाधान कर सकते हैं। इसका कनेक्शन आपके थाई से जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन आपके नी से जुड़ा हुआ है, एंकल से जुड़ा हुआ है। हम करेंगे क्या, एक छोटी सी टिप से, वैसे तो इसका समाधान आप एक प्रोसेस है, उसमें पूरा एक ट्रीटमेंट है आधे से पौन घंटे का, उस दौरान होगा, लेकिन घर में फर्स्ट एड के तौर पर आप करेंगे क्या, क्योंकि अगर घर में कोई दिक्कत है तो, अगर आप यूट्यूब पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो कुछ तो आपको आना चाहिए कि हम नी पेन पर कैसे काम करें। आइए देखते हैं। पेशेंट को, यानी कि जिसको भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको सीधे लिटा दीजिए। सीधे लिटाने के बाद में आप घुटने के ऊपर, यानी कि ये आप देखेंगे ये पटेला है, और पटेला को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करना है, हाथों को, दोनों हाथों को इस तरीके से आप रखिए और रबिंग करिए पटेला के दोनों तरफ, इस तरीके से रबिंग करिए, और यहां से इस तरीके से आरी जैसे चलाते हैं उस तरीके से आरी सी चला दीजिए। ये भी 15-16 बार करना है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसके बाद में आपने सारी उंगलियों को मिलाइए और पटेला, जो कटोरी है आपकी नी की, इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज कर दीजिए। इस तरीके से क्लॉकवाइज करिए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज करिए। और इसके बाद में आप दोनों अंगूठों से इस पटेले के मूवमेंट को देखिए। जिनका घुटने का दर्द होता है उनकी ये मूवमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि उनका ये स्टिफनेस आ जाती है, ये स्टिफ हो जाती है ना। और देखिए, शुरुआत से ध्यान करना, मैंने पहले क्या करा, पटेले को सर्कुलेशन पहुंचाया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने आरी सी चलाई, ये सेकेंड स्टेप है। तीसरे स्टेप में मैंने सभी उंगलियों को मिलाकर उस पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज करा, है ना। और इसके बाद में मैंने पटेला की मूवमेंट करी अपने दोनों अंगूठों की मदद से, ऊपर नीचे दाएं बाएं चेक करा, ठीक है नहीं है। इसके बाद में अपने पैर को सीधा रख लीजिए और यहाँ से मसल्स को ऊपर की तरफ लेके जाइए, ये, क्योंकि कई बार जिनकी बॉडी एसिडिक नेचर की होती है उनकी मसल धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ से आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरीके से, है ना। और ये एक साइड है, इसकी दूसरी साइड से भी हम धीरे धीरे मसल्स को ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद में तीसरी साइड, यानी कि ये आउटर साइड है जो आपको दिखेगी नहीं वहां से, ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, ये करेंगे।
अब क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, ऊपर की मसल्स को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की मसल्स को ऊपर लेके जाएंगे, तीन बार हर प्रोसेस को दोहराएंगे। अब ये तीन बार करने के बाद इस पैर को मोड़ लेंगे। अब इसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस, ऊपर की तरफ मसल्स को, आउटर साइड की तरफ जो हमने करा था, ये दोनों तरीके से करना है, यानी कि पैर को सीधा करके, पैर को मोड़कर और फिर नीचे की तरफ। अब इसके बाद में दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे और ये नीचे ऐसे। जब आप ये कर रहे हैं तो ये आप मसल्स को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, आप मसल्स को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे की मसल्स को नीचे ले जा रहे हैं, ऊपर की मसल्स को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे की मसल्स को नीचे ले जा रहे हैं। इसके बाद में ये ध्यान करें, जो आपने मसल्स ऊपर सेट करी है उनको हमने पूरा इस जॉइंट पर, ये जो पेल्विक बोन है, इस जॉइंट तक लेके जाना है। आपने दोनों मसल्स को इस तरीके से लेके गए, यहाँ सेट करना है, इन मसल्स को ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ सेट करना है, इन मसल्स को ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ सेट करना है, और जो बीच की मसल थी इसे पूरे हाथ से कवर करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये है ना। जो साइड की मसल थी उनको साइड से ही लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, ये ये। और जब बीच की मसल है तो उसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो यहां से ये आप पूरा मसल्स को ऊपर ले जा रहे हैं और नीचे की मसल्स को नीचे। तो ये जो मसल्स नीचे की तरफ सेट होती है वो यहीं से धीरे धीरे लूज होकर नीचे की तरफ चली जाती है, ये यहीं से धीरे धीरे लूज होकर नीचे की तरफ चली जाती है, और यहाँ की मसल्स आपस में लॉक हो जाती है, आपको नी पेन का महसूस होता है, यानी कि नी पेन आपको आता है। तो इस तरीके से आपने मसल्स को सेट करना है और नी पेन को रिलीज करना है। इस तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।